हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन और हीलियम मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी एंड एमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप कोवेलेंट बॉन्ड यूनिट से रिलेटेड सभी टॉपिक डिटेल में देख सकते हैं। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? तो इसी को ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर जो है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, और डिटेल में आप समझ सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम किस प्रकार होता है। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो दो हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, HH मिलकर H2 का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है? सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 होगा। और इसी प्रकार दो हाइड्रोजन हम यहां पे लेंगे तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे एनर्जी लेवल डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। देखिए यहां पे ये जो है ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो बीच में है ये दोनों है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे, ठीक है? ये मेन रूल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। सो यहां पे ये 1s, ठीक है? बेसिकली ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम, दोनों मिलकर ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो यहां पे 1s1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरेगा, ठीक है? अब दोनों हाइड्रोजन एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन यहां भर गया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा वो सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। सिग्मा स्टार 1s में दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन एटम को मिलाकर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जो है इसमें सिग्मा 1s वाले, मतलब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आके भर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये एनर्जी, अगर यहाँ पे शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी जो है लो से हाई हो रहा है यहाँ पे, तो इस प्रकार से एनर्जी को यहाँ पे शो किया जाता है। और ये दो एटॉमिक जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनको इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाता है। तो ये मेन इस प्रकार से एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। आगे और एग्जांपल्स लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे मेन वही है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार से भरते हैं, ठीक है? पहले सिग्मा 1s ऑर्बिटल में भरेगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में, उसके बाद फिर आगे जो और होते हैं उसमें भरेंगे, ठीक है? जो आगे हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे तो उसमें और क्लियर होगा, क्योंकि उसमें जो है लंबा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। यहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इस प्रकार ये होगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक इंपॉर्टेंट जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में लिखा जाता है, और उसी में जो है एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको घटाया जाता है। सो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे NB माइनस NA, ठीक है, बॉन्डेड, और ये एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ये 2 और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है? 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1। और तो इसका अर्थ ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम के बीच सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है? ये शो करता है 1। इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये है मेन एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। दिस मींस दैट देयर इज अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द H2 मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो दिस मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक, ठीक है? अब दो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो जो है आपको बताने होते हैं। तो यहां पे बेसिकली किसी भी प्रकार के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये जो है एक प्रकार का ये जो है डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है, ठीक है? ये मॉलिक्यूल ये हो गया। अब सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन H2+, ठीक है? तो H2+ मतलब प्लस का चिन्ह आप देखेंगे तो आपको पता है कि वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें। अगर माइनस किसी भी मॉलिक्यूल में अगर माइनस का साइन आता है, आयन आता है, तो उसमें यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा है, और प्लस अगर आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो H2 मॉलिक्यूल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन दिस हाइड्रोजन आयन एंड इट इज द सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ
एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन लग गया है, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है मतलब 1s1 इस एटॉमिक ऑर्बिटल में ही ये एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, और यहाँ एक है तो यहाँ भी एक ही भरेगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से H2 प्लस आयन का एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, मतलब H2 प्लस प्लस साइन आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी। H2 मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार आप भर सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम में। एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है Nb-Na। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को घटा के दो से भाग देना रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इसको घटा देंगे तो हाफ जो है इसका आएगा, मतलब कि इस हाइड्रोजन आयन में जो है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन में हाफ बॉन्ड है, ठीक है, हाफ बॉन्ड से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जो है इस प्रकार शो करेंगे इसको आप, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड भी नहीं है, हाफ बॉन्ड है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंस द बॉन्ड ऑर्डर इन दिस आयन इज हाफ, इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो इट्स आयन इज पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर पूरा फुलफिल होता है तो वहां पे जो है आपका डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, ठीक है। ये सेकंड हो गया। थर्ड एग्जाम्पल है हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम मॉलिक्यूल दो हीलियम एटम से मिलकर बना होगा, सो ईच हीलियम हैज टू इलेक्ट्रॉन, सो हीलियम टू विल हैव द टोटल फोर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखिए, पहले इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहले इसका एनर्जी लेवल डायग्राम किस प्रकार भरेगा उसको देखेंगे, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ये जो है इसमें जो है टोटल जो है चार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, हीलियम मॉलिक्यूल में टोटल चार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये 1s2 इस एटॉमिक जो ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। सो किस प्रकार भरेगा ये, इसमें पहले भरेगा, ठीक है, इसमें दो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो इसमें पहले भरेगा सिग्मा 1s वाले में, उसके बाद फिर सिग्मा एंटीबॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो है सिग्मा स्टार 1s में जो है दो इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें भरने के बाद इसमें जाके भरेगा, ठीक है। टोटल चार है तो इसमें भी टोटल चार भरेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इस से एनर्जी लेवल डायग्राम होगा हीलियम का, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी आपको लिखना होता है। बेसिकली सिग्मा 1s इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरा, सिग्मा स्टार 1s इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरा, इस प्रकार से। और ये एनर्जी वाला लाइन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर जा रहा है, ये शो करता है, ठीक है, ये साइन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार निकालते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम भरने के बाद। तो ये हो गया हीलियम मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी वही सेम है, Nb-Na/2, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने हैं, ठीक है, एंटीबॉन्डिंग में तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और एंटीबॉन्डिंग में भी दो इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2-2 दो से भाग देना रहता है तो हमारा जीरो हो गया, मतलब हीलियम के बीच जो है कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब हीलियम मॉलिक्यूल में दो हीलियम एटम के बीच कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये यहाँ पे शो करता है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम 2 इज 0, सो नो बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन द हीलियम एटम इन द हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हीलियम देखिए, इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए जो हीलियम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं एंड उसी की सहायता से उन मॉलिक्यूल के एटम के बीच कितने बॉन्ड प्रेजेंट है उसको भी हम याद कर सकते हैं। तो ये हमने तीन एग्जांपल लेके समझा, आगे हम और जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इससे रिलेटेड। यहाँ पे तो ये बेसिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो छोटे एग्जाम्पल से वहां पे हमने समझा, बट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है तैयारी कर सकते हैं, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप एज इट इज लिख सकते हैं ये कुछ थ्योरी पॉइंट्स एंड ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना के आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे तो भी इनफ होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके बीएससी एनएमएससी लेवल के सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये नोट्स प्रोवाइड किया, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसके अलावा अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड यूनिट का कंप्लीट हेरिटन नोट चाहिए जिस पीडीएफ में ये सभी टॉपिक्स डिटेल में कवर होंगे, तो अगर आपको ये इस पीडीएफ की जरूरत है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में लिंक मिलेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये हेरिटन नोट्स ले सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।